हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं बॉलीवुड के टॉप 10 बायोपिक मूवीज़ कौन से हैं? आज हम 2001 से लेकर 2020 तक रिलीज़ की गई बॉलीवुड बायोपिक मूवीज़ के कलेक्शंस का एनालिसिस करेंगे। पर सबसे पहले, क्या आपको मालूम है बायोपिक मूवीज़ किसे कहते हैं? बायोपिक फिल्म्स वो होती हैं जो किसी व्यक्ति के जीवन या किसी वास्तविक घटना के आधार पर बनाई गई हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ मूवीज एनालिसिस के लिए नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वे OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे कि Amazon प्राइम या Netflix पर रिलीज की गई हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में कुल 45 मूवीज का विश्लेषण शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप हमारे वीडियो अपडेट्स को मिस ना करें। तो चलिए देखते हैं बॉलीवुड के टॉप बायोपिक मूवीज कौन से हैं।
दोस्तों, इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कुल 45 मूवीज की कलेक्शन 2192 करोड़ है। इस कुल राशि में 50% सिर्फ 3 मूवीज से आई हैं, और वो है दंगल 20%, संजू 17% और तानाजी द अनसंग वॉरियर 14% है। और सबसे कम अर्जित करने वाली 3 फिल्में मजाज सिर्फ 30,000 रुपये, अजब सिंह की गजब कहानी 4 लाख रुपये और मालिक 1 5 लाख है। दोस्तों, इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि कौन से साल में कितने बायोपिक मूवीज बनाई गई हैं और वे कितना कलेक्शंस किए हैं। 2016 और 2019 दोनों वर्षों में 8 फिल्में बनाई हैं। अगर आप ईयरवाइज कलेक्शंस देखें तो पहले नंबर पर साल 2016 है, जो कुल राशि में 30% अर्जित किया है। दूसरे नंबर पर साल 2018 है, जो 21% अर्जित किया है। और तीसरे नंबर पर साल 2019 है, जो 17% अर्जित किया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।